सबसे पहले अभी ये तो हो गया नहा के फ्रेश, यहाँ बिठा दिया इसको, ऊपर देख रहा है पंखे। अभी नहा धो के हो गई हूँ, कान उठ गया तो मैंने सोचा थोड़ी देर इसको बाहर घुमा लाती हूँ ऑफिस में। आप चलो हम घर पहुँच गए और गिल्ली। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे कोने वीडियो में। तो अभी घर वाले जो हैं सभी वो चले गए हैं, तो इसके नखरे देख लो शुरू हो गए। मैंने सोचा इसके लिए कुछ बना देती हूँ खाने के लिए, बट मेरे को इतना तंग कर रहे हैं ना, क्या दिक्कत आ रही है। आज इसकी बॉकर भी चेंज हो गई है, जो शेरपुर में इसके मामा जी लाए थे वो ले आए, क्योंकि दूसरे वाली काफ़ी बड़ी है और हैवी है, तो उससे इसके पाँव प्रॉपरली पहुँचते नहीं, उसके नीचे हमें कुछ सपोर्ट वगैरह देनी पड़ती है और वैसे बिठाना पड़ता था। तो हमने सोचा ये भी ऐसे ही वेस्ट जो होगी तो इसको ले लेते हैं, और अभी बैठा है इस पर मज़े से तो कहाँ बिल्कुल तंग कर रहा है मेरे को। किसी ने बताया क्यों नहीं मेरे को कि बच्चे पालने इतना मुश्किल होता है, बड़ा तंग करते हैं ये, पता नहीं हमारे माँ बाप ने कैसे पाला है हमें 3 दिन बच्चों को। अभी मैं जा रही हूँ कानों को नहलाने के लिए, वैसे भी बारिश हुई थी रात को तो पानी ठंडा हो गया, और इसको खांसी लगी है, हट ही नहीं रही है, कभी हट जाती है कभी अपने आप ही लग जाती है। तो थोड़ा सा मैंने पानी जो है वो गर्म किया है, ज़्यादा भी नहीं क्योंकि फिर ठीक नहीं होता ज़्यादा पानी गर्म। ये तो हो गया नहा के फ्रेश, मेरी बारी है, तो मैंने सोचा पहले कपड़ों को प्रेस कर लेती हूँ। तो कपड़े प्रेस करने के लिए मैं ऊपर आई और साथ में इसको भी ले आई, छोड़ना कहाँ पीछे ये पता नहीं क्या क्या करेगा, तो साथ साथ में रखना पड़ता है। क्या प्याज यहाँ बिठा दिया इसको, ऊपर देख रहा है पंखे को। काना क्या देख रहे हो आप, मेरे को बार बार पीछे देखना पड़ रहा है कि वैसे पीछे नहीं देखते। वैसे तो मैंने आगे पिल्लो वगैरह लगा दिए हैं पर पता नहीं उठता है। मंदिर था वो देखो अच्छा दूर है ना, वो देखो मामा कौन है ये, पीछे बात जाओ दोबारा फिर से एक बार करनी मैंने थोड़ी थोड़ी, इधर बैठ जाओ आई मैं। जब घर वाले सारे चले जाते हैं तो इतना उदास हो जाता है ना ये, कि जैसे मेरे साथ जबरदस्ती बैठा हो। जब वो आ जाते हैं तो इसकी चीखें ना गेट के बाहर सुनाई देती है, अभी देखो कैसे बैठा है।
सुबह सारे अपने अपने काम पे चले जाते हैं, तो मैं और यही बचते हैं। फिर मम्मी आज घर के हैं क्योंकि थोड़ा सा काम था, खेतों का वो करवाना है। आ जाएंगे वो वापिस दिन में कोई 4-5 बजे तक तो पहुंच ही जाएंगे शाम के टाइम। बोलने की देरी थी, लग पड़ा पंखे करने। चलो काना, जो चीज मिल जाए बस खाने को ही फिरते हैं। इसका ध्यान उतर ही अभी तक मैं भी नहा धो के हो गई हूँ अभी फ्रेश, और खाना भी नहा के सो गया है। अब मुझे याद आया कि अभी तक जिम्मी को खाना नहीं दिया है, बेचारा भूखा ही, और 12 बज गए और लंच भी बनाने को है। अभी बच्चे के साथ कुछ भी मैनेज नहीं हो पाता है, बड़ा मुश्किल होता है। तंग हो गई मैं तो, ऊपर से ये गर्मी, बच्ची कुछ जान तो ये ले जाती है। चिमनी के लिए तो खाना रेडी करती है, बट कई बार वो खाता भी नहीं है बिल्कुल भी। मेरे को बार बार रूम में आके देखना पड़ रहा है कि कहीं उठ तो नहीं गया। जब मैं घर पे अकेली होती तो मैंने लॉक किया हुआ है दरवाजा, खुद ही भूल जाती हूँ कई बार। चल आ जाओ बेचारे को भूख लगी थी, खा रहा है अभी। एक बार फिर देख लेते हैं कहना को।
ये उठ के ना रोता नहीं है, खेलता रहता है और पता भी नहीं चलता है कि ये उठा हुआ है। तो कई बार खेलते खेलते बेड के नीचे पहुंच गया तो तब भी पंगा रहेगा। अभी तक सो रहा है तो मैं लंच की तैयारी कर लेती हूँ। कांदा उठ गया तो मैंने सोचा थोड़ी देर इसको बाहर घुमा लाती हूँ, ऑफिस में बैठते हैं। पर यहाँ आए मैंने एसी ऑन किया और लाइट ही चली गई। और यहाँ पे बिना लाइट के एक मिनट भी खड़ा नहीं हो जाते, इतनी ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर, सामने धूप है। चल पड़ते हैं तो अभी ये भी पहुँच गए ड्यूटी से और लंच कर लेते हैं। और कान को बॉकर में डाल दिया और देख रहा है वो कार्टून पीछे। शाम के टाइम से भी घर पहुंच गए थे तो हमने सोचा कि हम अभी बाहरी वॉक पे जाते हैं, क्योंकि बच्चे को मम्मी पापा ने ले लिया था और उतनी देर हम थोड़ा अपना माइंड फ्रेश कराते हैं, क्योंकि पूरा दिन भर घर पे हो जाती है मेरे को तो बच्चे के साथ। आज भी हम शॉर्टकट लगा के आए हैं कॉलोनी के बीचों बीच से, और आज भी हवा नहीं चली हुई। जब घर पर होते हैं तब तो इतनी ज़्यादा हवा वगैरह चली होती है। शॉर्टकट लगा के आए और थोड़ी देर यहाँ पर बैठ के कहते रेस्ट कर लेते हैं। सच भी नहीं है हवा बिल्कुल भी, गर्म गर्मी हीट आ रही है पूरी। रेस्ट करने के बाद फिर हम चल पड़ते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे पहुँचे तो थोड़ी थोड़ी हवा आ रही है क्योंकि यहाँ पे नदी सामने है। आज हम पुल तक का राउंड लगाएंगे और सामने ये रहा टनल, टीआरटी टनल। क्या थी नदी जो मेरा डैम से आ रही है और ये आ रही है सेवा टू से, और साथ में मिल रही हैं यहाँ पे ये, और आगे जाके ये पहुँच जाएंगी रंजीत सागर डैम पे। ये रहा सामने जे एंड का सेवा टू जो प्रोजेक्ट, रहा पीछे खैरी। बस पहुँचने वाले हैं हम पुल तक। इतना सुनसान पड़ा है, मेरे को डर लग रहा है रास्ता से। जा रही हैं बीच बीच में गाड़ियाँ, बट ज़्यादातर देखो पीछे जब तक खाली ही है। ये कहते मेरे को मत दिखा पीछे, शर्म आती है मुझे। मैं तो दिखाऊंगी, मैं तो ज़बरदस्ती करती हूँ। एक बंदे के साथ ही तो ज़बरदस्ती कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। वो है ये, कुछ भी बोले चलता है। मैं इनसे प्यार भी बढ़ाता हूं। अभी हम पहुंच गए पुल पे, यहाँ बीच में बैठने देते हैं थोड़ी देर। फोटो लेती, फोटो तो क्यों लेनी। कभी कभी नहीं, ये ज्यादा ही फुकरी मार देते हैं ये इंसान। ये बहुत अच्छा मौसम है और ठंडी ठंडी हवा भी चली हुई है। थोड़ी देर बैठे और अभी कर रहे हैं घर की वापसी। बैठे तो कहाँ फोटो शूट करवा रहे थे ये अपने, बट अच्छी नहीं आ रही है। घूम फिर लेने के बाद फिर हमें लगती है प्यास, तो ये पी लेते हैं यहाँ पे ठंडा ठंडा पानी। और मुझे भी कहते हैं कि वीडियो बंद करो और तू भी पानी पी ले थोड़ा ठंडा, पर मेरे को प्यास नहीं थी तो मैंने नहीं पिया। और फिर हम चल पड़ते हैं घर की तरफ। घर वापसी के टाइम अंधेरा होने ही वाला था और मौसम का कुछ पता ही नहीं चलता। थोड़ी देर आगे पहुंचे तो इतनी ज़्यादा बारिश लगी कि घर पहुंचते पहुंचते हम गीले हो गए थे, और अभी देखो कितना साफ और क्लीन लग रहा है। वापसी के टाइम अभी बारिश भी लग पड़ी है, घर पहुंचते पहुंचते क्या पता भीग जाएंगे कि क्या होगा।
हम घर पहुंच गए और गिल्ली हो गए। ज़्यादा तो हमें चौंक पे लगी आके पीछे तो नहीं थी, और उस जगह ज़्यादा लगी हुई थी, उस जगह बिल्कुल भी नहीं थी। अभी चेंज वगैरह करते हैं और फिर खाने का देखते हैं क्या करना है। यहाँ पे मैं चपाती बना रही हूँ और इसने मुझे इतना तंग करके रखा है ना, ये देखो। वैसे मैंने पैन बॉक करके भी चुपसाई हूँ, चपाती बना रही हूँ, चम्मच पैन से कभी क्या बड़ा मुश्किल है। इसी के साथ मैं लेती हूँ आप सभी से विदा, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।